और 10 बच्चों से एक माता पिता नहीं पलते। और कभी ने एक एक पंक्तियां चुन चुन के लिखी है, तो इस प्रकार से क्या लिखा है सुनिए। पिता करी चाहते और नाहकते ही चुकाया जाऊं। बताया कि माँ बाप का कर्जा अगर औलाद अपनी खाल की जूती पहना ले तो भी नहीं चुकाया जाता। अगर गलत बात है तो मुझे कह दो, बैठ जाए, अच्छी बात है तो पर जोरदार ताली बजा दो। धन्यवाद। किस प्रकार से कवि ने बहुत ही सोच समझ के एक एक पंक्तियां चुन चुन के लिखी और कही, ओ माँ बाप का घर चाहते हैं चुकाया जा, माँ बाप का घर चाहते हैं चुकाया जा। ओ लाड़ी नू पलती ना, ओ लाड़ी नू पलती ना,
जिक्र किया कि वो पिता अपनी औलाद के लिए लोगों से कर्ज उठा लेता है, कि पिता अपनी औलाद के लिए लोगों से कर्ज उठा लेता है और ये सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके मेरा नाम रोशन करेगा और ये गवाएगा कि वो उस सज्जन पिता की औलाद है। और मैं गर्व से खुशी से मेरे बाबा के चरणों में प्यार प्रेम से एक जागरण करवाऊंगा। और कैसे गुरु जी मांगती हूँ।